उधर न्याय यात्रा खत्म कर राहुल गांधी चुनावी तैयारियों में लगने की सोच ही रहे थे, तभी छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को बड़ा झटका देने की खबर सामने आई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी ने 508 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या केजरीवाल से पहले बघेल जेल जाएंगे। इस सवाल पर हमारे उससे पहले सुनिए रायपुर 2 दुबई वाला केस क्या है, जिसमें भूपेश बघेल को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। तो इसे समझने के लिए आपको उस ऐप का किस्सा समझना होगा जिसने लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। छत्तीसगढ़ के रहने वाले सौरभ चंद्राकर नाम का लड़का जो जूस बेचता था, उसने रवि उप्पल नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर एक ऐप बनाया जिसका नाम महादेव ऐप रखा। इस ऐप से वो लोगों को ऑनलाइन सट्टा खिलाने लगा। जीतने वाले का नाम पहले से ही तय होता था। लाखों जीतने की लालच में लोग गहने जमीन बेचकर पैसा लगाने लगे और ठगी का एहसास तब हुआ जब पैसे डूबने लगे। पहले मोदी सरकार ने इस ऐप को बैन किया, फिर ईडी ने इसकी जांच शुरू की तो पता चला कि दोनों लड़के दुबई में बैठ के पूरा सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं। अधिकारियों और नेताओं तक रिश्वत पहुंच रही है। बीते साल ही जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो ईडी ने असीम दास नाम के व्यक्ति को पकड़ा जो दुबई से एक राजनेता को कैश देने आया था। उसकी गाड़ी और घर से 5,39,00,000 रुपए बरामद हुए। ईडी ने दावा किया कि उसने पूछताछ में कुछ ऐसा बताया कि वो भी हैरान हो गई। दुबई में बैठे शुभम सोनी नाम के व्यक्ति ने उसे ईमेल भेजा जिसमें पता चला कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने अब तक 508 करोड़ रुपए का भुगतान भूपेश बघेल को किया है। इसके बाद शुभम सोनी का एक वीडियो भी सामने आया जिसे जारी करते हुए बीजेपी के कई नेताओं ने यह कहा कि शुभम सोनी का दावा है कि सिंडिकेट में सीएम बघेल, उनके बेटे बिट्टू, उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और एक आईपीएस अधिकारी भी शामिल रहे हैं। और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ, ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया, वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए, वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाए और उसके बाद वो बात किए। लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुँह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर, उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है, उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा, मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। ज़बरदस्ती का अब मेरे ऊपर ईडी का कार्रवाई चालू हो गया है, अब ऐसा ऐसा कुछ होगा मेरे साथ इतना पैसा देने के बाद भी, तो मैं क्या करूं बताओ। अब बस मेरा यही लास्ट रिक्वेस्ट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कि वो बस इतना हेल्प कर दे मेरी कि मैं अब फंस चुका हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, और आपको जैसा एविडेंस चाहिए, जैसा प्रूफ चाहिए, मैंने जैसे जैसे पैसा उनको दिया है हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस प्रूफ हर चीज़ एक एक चीज़ पड़ा हुआ है, तो मैं यही चाहता हूँ कि बस मेरा हेल्प कर दीजिए वहाँ से, मैं भी इंडिया जाना चाहता हूँ वापस। मुझे डर लगता है यहाँ से इंडिया जाने में, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ वापस, वहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हेल्प कीजिए, यही रिक्वेस्ट है मेरा इंडियन गवर्नमेंट से यार। अब तक ईडी ने कई पुलिस वालों को गिरफ्तार किया है, एक ऐसा कांस्टेबल पकड़ा गया है जो पहले कई बार दुबई गया है,
हालांकि ऐसे सबूत सामने आने के बाद भी बघेल का दावा है कि कल को कोई प्रधानमंत्री का नाम लेकर कह देगा कि मैंने उन्हें रिश्वत दी है तो क्या पीएम से पूछताछ होगी। बघेल की बात बिल्कुल सही है। इस देश ने वो दौर भी देखा है जब खुद को शेयर मार्केट का किंग कहने वाले हर्षद मेहता नाम के एक स्टॉक ब्रोकर ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने की बात कहकर सबको चौंका दिया था। हालांकि कोई सबूत नहीं होने की वजह से सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन उस आरोप और इस आरोप में बहुत बड़ा अंतर है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बघेल केजरीवाल से पहले गिरफ्तार होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद ही इस देश के कई वर्तमान मुख्यमंत्री और कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेल जाना पड़ सकता है। इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री इशारों में ही मंच से करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।